अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है कि डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स, मैं आपको बताऊं कि किस तरह आप जो डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं उस पे पाकिस्तान में काम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे काफी लोगों ने जो कोरोना आया था और इसके लॉकडाउन में काफी लोगों ने ऑनलाइन बिजनेस की तरफ ज्यादा ध्यान दिया और काफी लोग इसमें कामयाब भी हुए। और ये कुछ डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं जो इसकी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं और किस तरह आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें से डिफरेंट कुछ ऐसे बिजनेस मॉडल्स भी हैं जिस पर मैं खुद भी काम कर रहा हूँ और उनकी कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं और इसको आपने स्टार्ट कैसे करना है, इस पर काम कैसे करना है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज मैं आपको इस सारे बिजनेस मॉडल्स हैं जो आप पाकिस्तान से लीगली कर सकते हैं। ये जो मैं बिजनेस मॉडल्स बताऊंगा ये वो सारे होंगे जो आप पाकिस्तान से बैठ के कर सकते हैं, ये वो बिजनेसेस नहीं होंगे जो आप कर नहीं सकते। और फिर इसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और भी बताता जाऊंगा। ये एक आप ऑनलाइन कोर्स भी समझ लीजिए जो आपको फ्री मिलेगा और आप इन सब के बारे में सीखेंगे। इसका मैं आपको फिर सबका बताऊंगा कि आप अकाउंट कैसे खोलेंगे, आप प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करेंगे, आप प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे करेंगे, फिर उसे बेचेंगे कैसे, फिर इसकी प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो वो सारे डिफरेंट मॉडल्स होंगे। तो इसके मैं वीडियो से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने से जितनी भी नोटिफिकेशंस आएगी आपके पास, जितनी भी मैं वीडियोस बनाऊंगा तो उन सब की नोटिफिकेशंस आपके पास आती जाएंगी, क्योंकि ये वीडियो लाजमी देखने की आपके लिए और आगे भी जो आएंगी वीडियोस, क्योंकि अगर आपको शौक है बिजनेस स्टार्ट करने का, अपना काम करने का घर से बैठ के, और ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, आप खुद समझ जाएंगे आगे जाके देख के कि किस तरह से ये बिजनेस मॉडल्स काम कर रहे हैं और ये लीगली काम कर रहे हैं और इजीली आप इससे अर्निंग कर सकते हैं, अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि लोगों को, ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि ये काम ऐसे हो रहे हैं और कुछ लोग इसको इजीली नहीं लेते, लेकिन काफी इजीली आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी कुछ स्ट्रेटजीज होती है, अगर आप उस स्ट्रेटजीज पे अमल करेंगे तो आप काफी अच्छी तरीके से इसे सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तान में जो है ना, पाकिस्तान में अपनी ब्रांड कैसे लॉन्च कर सकते हैं, चाहे वो दराज हो, चाहे वो आप अपनी वेबसाइट बना के या फेसबुक पेज बना के। क्योंकि फेसबुक पे आपने डिफरेंट लोगों को देखा होगा कि कुछ लोग शूज बेच रहे हैं, कुछ लोग जैकेट बेच रहे हैं, कुछ लोग ट्राउजर्स बेच रहे हैं, कुछ टी शर्ट्स के एड्स चलते हैं, तो वो भी तो बिजनेस कर रहे हैं, वो भी ऑनलाइन बिजनेस है। तो किस तरह से वो उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया, किस तरह से वो एक चीज को सोर्स कर रहे हैं, किस तरह से वो बेच रहे हैं उसे, और वो प्रोडक्ट आइडिया क्या है। सबसे पहली चीज होती है प्रोडक्ट आइडिया। तो देखते रहिएगा इस वीडियो को लास्ट तक और लाजमी बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको कुछ और पूछना हो, कुछ समझ में नहीं आया तो लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दराज के बारे में कि दराज में पाकिस्तान में काफी पोटेंशियल है अभी और काफी ग्रोथ आ रही है, क्योंकि जब से अलीबाबा ने दराज को ओन किया है तो इसमें काफी लोग इनरोल हुए हैं, काफी सेलर इनरोल हुए हैं इसमें और काफी ग्रोथ बढ़ रही है। अब दराज का क्या है कि अगर मैं लाइन बाय लाइन आपको ये बताता जा रहा हूँ ये डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स के बारे में, और फिर इसके बारे में मैं और कंप्लीट वीडियोस बनाऊंगा अलग से। जैसे दराज पे मैं बनाऊंगा कि उसका आप अकाउंट कैसे करेंगे, ओपन करेंगे सेलर सेंट्रल का, फिर उसकी आप प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करेंगे, आप प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है दराज पे जो आपको फायदा दे, फिर उसको आप लेंगे कहाँ से कि आप सोर्स कहाँ से करें उस प्रोडक्ट को मिनिमम अमाउंट में, और फिर दराज पे बेचे किस अमाउंट में कि आपको उसमें फायदा हो। और हर बिजनेस मॉडल्स के बारे में मैं आपको ऐसे डिफरेंट वीडियोज बना के बताता रहूंगा, और ये एक ओवरव्यू है सब बिजनेस मॉडल्स का। तो दराज का मैं आपको ये बताऊं कि दराज पे जो आपका पोटेंशियल है वो क्या है। जैसे ये दराज पे आप पहले ही पेज पे है daraz.pk पे, तो आपने ये देखा कि डिफरेंट आपको प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पे। अब आपको जो प्रोडक्ट चाहिए होगा आप यहाँ सर्च कर लेंगे। अब यहाँ
हैं कि ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब इसमें से कुछ हॉट सेल्स भी लगती हैं, और ये देखें ये रेटिंग्स के प्रोडक्ट्स हैं। आप ये प्रोडक्ट देखें, इसकी 516 रेटिंग है, इसकी 84 है, इसकी 46 है। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स है अभी जो चल रहे हैं। अब इस प्रोडक्ट को अगर हम उठा के देख लें तो ये भी तो किसी सेलर ने लगाई हुई है, क्योंकि ये ना दराज मॉल के प्रोडक्ट है और ना ही कोई बिजनेस सेलर इसे बेच रहा है। ये नॉर्मल हमारी तरह का ही बंदा है जो इसे बेच रहा है अपनी ब्रांड बना के। तो ये एक प्रोडक्ट है। अब ये एक प्रोडक्ट 325 की ये बेच रहा है, और आपको नहीं पता कि ये सोर्सिंग कितने की कर रहा होगा, कितने की खरीद रहा होगा इसे। अब अगर ये 325 की बेच रहा है, तो मतलब अगर इसने 200 की भी ली हो और 50 आप दराज के चार्जेस लगा दे, तो मतलब 75 पर प्रोडक्ट कमा रहा है। अगर 75 ये पर प्रोडक्ट कमा रहा है और ये 10 पीस पर डे के बेचे, तो 75 × 10 750। शुरू में आपको 750 पर डे कोई बुरी वो नहीं है, आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से इतना कमा सकते हैं। और फिर आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, आप कुछ 5-6 प्रोडक्ट्स लगाएंगे। और ये देखिए ये प्रोडक्ट चलने वाली भी है, इसको लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो ऐसी मैं आपको प्रोडक्ट्स के बारे में आइडियाज दूंगा, और ये आप खाली समझाने के लिए कि क्या पोटेंशियल है अभी दराज में, कि आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं इसमें। जैसे ये चीजें हैं, ये आप ये देखिए कि ये प्रोडक्ट कितनी चली है, 2277 रिव्यूज हैं इसके, मतलब बहुत ही ज्यादा चल रही है ये। देखिए ये हैंगर देखें, इसके देखें 1000 से ऊपर रिव्यूज है, क्योंकि काफी अब चीजें बहुत चल रही हैं ऑनलाइन। और आप ऑनलाइन अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप लाजमी इसमें कुछ ना कुछ फायदा कमाएंगे। लेकिन ये है कि आपके पास इसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और ये नहीं हो कि आप शुरू में जो है ना पंप अप हो जाए कि भाई अब तो बिजनेस स्टार्ट करना है, और बाद में ऐसा मैं खुद भी शुरू में ऐसे ही करता था, बाद में बैठ जाता था कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा, और इसकी सोर्सिंग कहाँ से करूंगा। कुछ आपके पास ऐसे लम्हे आते हैं कि आप बैठ जाते हो, लेकिन बैठना नहीं है, फिर आपने इसको जो है ना हिम्मत करनी है, इसको शुरू करना है। शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह फायदा होगा। ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में मैं फिर आपको ब्रीफली एक वीडियो में भी बताऊंगा कि किस तरह आप प्रोडक्ट्स को देखेंगे, किस तरह आप उसकी वैलिडेशन करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट अब 100% मेरे लिए सही है, मैं इस प्रोडक्ट को सोर्सिंग करूंगा और इसको बेचूंगा। तो ये सिर्फ ओवरव्यू था दराज का। अब दराज के बारे में ये है कि दराज पे काफी आवाम आ रही है, काफी डेली जो है ना मिलियंस में लोग दराज को विजिट कर रहे हैं, और उसमें से कुछ मिलियंस जो है ना खरीद रहे हैं आइटम, तो खरीद रहे हैं। तो उस पे सेलर्स, अभी जितने भी सेलर्स इनरोल हुए हैं वो सेलर्स भी उस पे कम है उसमें, और सेलर्स इनरोल होंगे तो और अच्छा होगा। अभी दराज की कम्युनिटी भी काफी अच्छी हो गई है, फेसबुक पे भी काफी एक्टिव हो गई है और मीटअप्स वगैरह भी करा रही है। तो अगर आप अभी इनरोल हो जाएंगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि अभी जो है ना अभी सितंबर का महीना है, और अभी जो नवंबर दिसंबर और नवंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीने जो है ना दराज पे सेल लगती है, 10-10, 11-11 और 12-12, ये 3 सेल्स जो लगती हैं दराज पे 3 महीने, इसमें आपकी सेल्स 4-5 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि ये सेल्स का, ये Q4 का महीना होता है सेल्स का, और ये दराज अपनी सेल लगाते हैं, तो इसमें 5-6 गुना 4-5 गुना आपकी सेल्स बूस्ट कर जाती है। तो ये मौका है आप लोगों का कि किस तरह आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और इसके बारे में फिर मैं आपको आगे डिटेल्स भी बताऊंगा। अब आपको जो बिजनेस मॉडल पसंद है आप कमेंट में भी उसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको अभी आगे, ये दराज का था, और अभी मैं आपको बताऊं कि आप अपना जो दूसरा बिजनेस मॉडल है वो कैसे, जैसे अभी ये तो दराज का हो गया, दराज पे आप लिस्टिंग करेंगे और एक आइटम आप निकाल के उसे बेचने की करेंगे। अब आपने बोला कि नहीं यार मैंने तो अपनी फेसबुक पे कोई पेज खोलना है, अपनी वेबसाइट बनानी है, तो उसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। ये एक स्टोर है बोर्जन शूज के नाम से, ये भी एक बंदे ने अपना स्टोर बनाया। सबसे पहले इसने फेसबुक पे पेज बनाया,
फेसबुक पे पेज बनाया इसने और इसने जो है ना ये डिफरेंट चीजें उसपे बेचनी शुरू की फेसबुक पे। जैसे मैन कलेक्शन है इसके पास, कैजुअल्स हैं। अब इसने देखे ये तो एक वेबसाइट उसने बना दी, तब सबसे पहले वो फेसबुक पे शूज वगैरह और ये चीजें बेच रहा था और काफी अच्छी इसने अर्निंग की है इससे। और ये बोर्जन के नाम से फेसबुक पे भी आप इसे सर्च कर सकते हैं, इसने काफी अच्छी अर्निंग की है फेसबुक से। और इसने फेसबुक पे पेज बनाया, फेसबुक पे पेज का मैं आपको तरीका बताऊंगा, उस पे आपको एड्स चलाने का तरीका बताऊंगा कि किस तरह आप फेसबुक एड्स चलाते हैं, क्योंकि सबसे बेहतरीन चीज है फेसबुक एड्स चलाना। अगर आपको सबसे फेसबुक एड्स चलाना आ गए तो आप अपनी सर्विसेज भी दे सकते हैं फेसबुक एड्स चलाने के लिए डिफरेंट वेबसाइट्स को या डिफरेंट पेजेस वगैरह को। तो ये है कि इसने पहले फेसबुक पेज शुरू किया, पेज पे इसने एडवर्टाइजिंग की, अपना पेज जो है ना एड्स वगैरह चला उसको ऊपर किया। जब पेज उसका चल रहा उसने अपनी वेबसाइट बना ली। वेबसाइट पे इसका भी मैंने आपको बताया कि जितने भी बिजनेस मॉडल्स मैं बता रहा हूँ इन सबके मैं आपको तरीके भी बताऊंगा कि किस तरह से ये शुरू होंगे। तो मैं आपको वेबसाइट हो, फेसबुक पेज हो या अकाउंट्स हो, जैसे दराज हो गया, अमेजोन हो गया, ईबे हो गया, इनके अकाउंट्स बनाना, इनकी प्रोडक्ट हंटिंग करना, इनको स्टार्ट करना, ये सब मैं स्टेप बाय स्टेप फिर आपको सिखाता रहूंगा। ये मैं आपको अभी ऐसे ही नहीं बता रहा, तो ये सिर्फ आपको अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस तरह से ये बिजनेसेस काम कर रहे हैं। अब जैसे इस पेज पे हम एक प्रोडक्ट निकाल के बैठ जाए, ये चप्पल बेच रहा है, ये इसकी एक प्रोडक्ट है। अब चप्पल है, अब इस बिजनेस मॉडल का ओवरव्यू मैं आपको क्या दूं कि अगर आपने लेट सपोज फेसबुक पेज शुरू किया और फेसबुक पेज में सपोज कर ले कि आपने चप्पल बेचनी है, आपने सोचा कि यार मैं चप्पल बेचता हूँ। अब चप्पल में जो आप अगर 2021 में है या 2022 में आप शुरू कर रहे हैं, आप चप्पल का फिर देखेंगे कि यार लेटेस्ट मॉडल जो है ना वो क्या है। आप लेटेस्ट मॉडल पहले उसके बारे में अपनी लोकल मार्केट देखेंगे, लेटेस्ट मॉडल देखेंगे, फिर आप बंदा ढूंढेंगे जो चप्पल को मैन्युफैक्चर करता है। काफी लोग होते हैं जो आपको मिल जाएंगे, जो छोटे कारखाने होते हैं वो चप्पल बनाते हैं, तो आप उसके पास जाएंगे, उससे अपना डिजाइन बनवाएंगे चप्पल का, अपना डिजाइन बन, जैसे ये चप्पल है इसने भी अपने डिजाइन बनवाए होंगे ना, ये कोई दूसरे की चप्पल नहीं बेच रहा, किसी ब्रांड की चप्पल नहीं बेच रहा, इसने अपने बनवाई हुई है। तो आपने भी अपनी एक लोकल जो कारखाने होते हैं, लोकल मैन्युफैक्चर होते हैं, उसके पास जाके अपनी ये चप्पल बनवानी है और कुछ ही पीस बनवाने हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आपको जो बोल रहा हूँ उसमें से ये आपने करना है कि 10-20 हजार में आपने, पहले तो 10-20 हजार में क्या है कि कुछ ही पीस 5-10 पीस आपने चप्पल बनवा लेनी है, उसकी फोटोग्राफी करवानी है, फेसबुक पेज बना लेना है और उस पर उसकी तस्वीरें लगा देनी है। अब क्या करना है कि जब आपने तस्वीरें लगा देनी है, पहले तो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, उसका एक डिजाइन बनवा के उसका आपने मैन्युफैक्चरर से बनवा लिया, अब आपने तस्वीरें फेसबुक पेज पे लगा दी, अब आपने उस पर एड्स चलवाने, एड्स चलवाएंगे तो आपको उसकी पोटेंशियल का अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि आपने तो 5 पीस बनवाए थे, अब 5 पीस में आपको उसकी पोटेंशियल का अंदाजा हो जाएगा और ये आपकी पहली प्रोडक्ट होगी जो सिर्फ एक प्रोडक्ट होगी। आपने सपोज करें ये चप्पल बनवाई कारखाने से, वो आपको 1000 रुपए में बेहतरीन चप्पल बना के दे देगा एक जोड़ा। आपने 1000 रुपए की बनवाई, आप फेसबुक पे उसे लगाए, फेसबुक पे फोटोग्राफी करवाए, सब कुछ करा के फेसबुक एड्स चला के, अगर आपको वो चप्पल पड़ती है 2000 की, सब कुछ करा के डिलीवरी समेत अगर आपको वो चप्पल 2000 की पड़ जाती है और आप 2500 की भी बेचो, तो एक चप्पल में आपको 400-500 रुपए का मुनाफा होगा और ये इजीली होगा और लोग खरीदते हैं इसे। ये सिर्फ इधर उधर की बातें नहीं है, क्योंकि काफी लोग फेसबुक से चीजें खरीद रहे हैं, बस ये आपको स्ट्रेटजीज पे चलना पड़ता है, चीज अच्छी देनी पड़ती है और लोग खरीदते हैं। 1000 रुपए में अगर आप मैन्युफैक्चर को 1000 रुपए देने हैं तो लाजमी वो चीज अच्छी होगी, तो लेकिन ये है कि आपने उससे डीलिंग करनी पड़ेगी। तो ये चीज होती है कि किस तरह से आप इन बिजनेस मॉडल्स पे काम करते हैं। और ये आप देख ले, अब ये कितने की है, 3990 की, 2190 की, ये मतलब ये देख ले ये कितनी अमाउंट में ये चप्पलें बेच रहे हैं और लाजमी बात है बिक रही होंगी। इसने माशाल्लाह से बड़ी अच्छी वेबसाइट सेट की है, तो बिक तो रही होंगी चीजें। तो ये एक मॉडल्स होते हैं कि आप इस पे भी अपना काम शुरू कर सकते हैं, और ये स्ट्रेटजीज होती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरह एक चीज को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसे बनवाएंगे,
फिर उसका स्टोर बनाएंगे, फिर उसकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, उसके एड्स चलाएंगे। एड्स चलाने के बाद आपको जब रिस्पॉन्स आना शुरू होगा, फिर आपको पता लगेगा कि आपकी प्रोडक्ट का पोटेंशियल क्या है। फिर इस तरह से आप गारमेंट्स में जा सकते हैं, कपड़ों में जा सकते हैं, जो बेबी सूट्स हैं उसमें जा सकते हैं, उसके आप लोकल मैन्युफैक्चरर देख सकते हैं, उससे काम करवा सकते हैं, और उस पर भी आप एडवर्टाइजिंग करके आप अपनी पोटेंशियल देख सकते हैं कि ये चीज़ कितनी बिक्री है। अब वो चीज़ बिकना शुरू हो जाए, आप उस पर भी अच्छी खासी अमाउंट कमाओगे और उसको आगे बढ़ाओगे। फिर फेसबुक का आपका हो जाएगा, आप वेबसाइट पे आओगे, वेबसाइट को फेसबुक पेज से लिंक करोगे और उस पर बेचोगे। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके हैं। और आप घर पे बैठे, इसके लिए लोग समझते हैं कि काफ़ी लाखों में अमाउंट चाहिए, लेकिन लाखों में नहीं होती है। आप 20,000 रुपये 30,000 रुपये से आराम से शुरू कर सकते हैं घर पे बैठ के। आपने पहले ये है कि वेबसाइट का जो है ना, वेबसाइट के आपका थोड़ा महंगा पड़ता है और थोड़ा डिफिकल्ट सिस्टम है और बजाय फेसबुक के, इसलिए फेसबुक से पहले इस वजह से शुरू करते हैं कि फेसबुक का पेज थोड़ा सस्ता भी पड़ता है आपको और उससे पोटेंशियल का अंदाजा भी हो सकता है। और जैसे ही आप वहां से कमाने लग जाए तो फिर आप वेबसाइट की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट ये ऑटोमेट हो सकती है, फेसबुक पेज ऑटोमेट नहीं होता। तो ये चीज है। अब इसमें देखिए, वेबसाइट में यहाँ व्हाट्सएप का ऑप्शन दिया हुआ है, ये काफी अच्छी चीजें होती है वेबसाइट में कि लोग आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप फेसबुक पेज में भी दे सकते हैं कि फेसबुक पेज में आप अपना व्हाट्सएप ऐड कर दे तो लोग आपसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करेंगे, आपसे पूछेंगे प्रोडक्ट का, आपसे प्राइस वगैरह पूछेंगे, कुछ लोग बार्गेन भी करेंगे। तो ये है कि आपके पास ये थोड़ा रेशो होगा कि आप बार्गेन भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पाकिस्तान में जो आप बिजनेस मॉडल, जो पाकिस्तान में अपने ब्रांड शुरू कर सकते हैं। जैसे दराज पे आप अपनी एक प्रोडक्ट लगा सकते हैं और ये अपना आप वेबसाइट और ये अपने ब्रांड नेम भी अपना रखना है। जैसे बोर्जन है, ये कोई इंटरनेशनल ब्रांड नहीं है, ये किसी ने अपना ब्रांड नेम रखा है। तो ये आपने अपना सेलेक्ट करके अपना ब्रांड नेम रख के फेसबुक पे भी लगा देना और फिर बाद में वेबसाइट पे भी आ जाना है उसी ब्रांड नेम से। और इसकी डोमेन वगैरह ये आप फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूंगा, इसकी अलग वीडियोस बनाऊंगा, पूरी सीरीज बनाऊंगा, उसमें आपको अलग अलग चीज के बारे में, क्योंकि ये बहुत बड़े टॉपिक हैं। जैसे दराज का हो गया, इसकी प्रोडक्ट हंटिंग लिस्टिंग वगैरह सारी ये अलग पूरा टॉपिक है। फेसबुक पेज का हो गया, फेसबुक पेज के एड्स हो गए, उसका पूरा टॉपिक है। और फिर ये वेबसाइट का हो गया, वेबसाइट बनाना, डोमेन लेना, इसको डिजाइन करना, इस पे प्रोडक्ट लगाना, ये सारा अलग टॉपिक है। और ये इन दोनों की चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊं कि आपने दूसरे जो बिजनेस, जो बाहर के बिजनेस मॉडल्स हैं, उसमें पाकिस्तान से बैठ के कैसे काम करना है। जैसे सबसे बड़ा जो अभी बिजनेस मॉडल है, जो लोग उसके लिए पागल हैं पाकिस्तान में, और पागल इस वजह से हैं क्योंकि काफी अच्छी बात यह है कि उससे काफी अर्निंग भी कर सकते हैं आप उसकी सर्विसेज काफी दे सकते हैं और काफी लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। तो उसके बारे में भी आपको बताता हूँ, मैं खुद उस पर सेल कर रहा हूँ और मैं खुद 2-3 बिजनेस मॉडल हैं जिसमें मैं खुद सेल कर रहा हूँ। जैसे अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ वो है अमेजोन। अमेजोन पे आप कैसे काम करेंगे, अमेजोन का ओवरव्यू बताता हूँ कि उस पर काम कैसे होता है। अब अमेजोन का मैं आकर आपको बताऊं तो आप अमेजोन अब मैं आपको अगर अमेजोन का बताऊं तो अमेजोन जो है ना, वो अभी सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है जो ऑनलाइन सेलिंग में सबसे ऊपर है और काफी लोग अमेजोन को फॉलो करते हैं क्योंकि एक ट्रस्टेड साइट है और काफी लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं। और अमेजोन का ये है कि अभी अमेजोन ने जो है ना, पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी सेलर्स हैं उनको आईडी अलाउ कर दिए पाकिस्तानी। मतलब ये कि पहले जो पाकिस्तानी सेलर्स थे वो जब अमेजोन पे चीजें बेचते थे तो उनको VPS या VPN इस्तेमाल करना पड़ता था। अगर US में सेल करते हैं तो US के लिए और UK में सेल करते हैं तो UK के लिए। लेकिन अब अमेजोन ने क्या किया कि पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में अलाउ कर दिया। तो अब अगर हम अमेजोन पे सेलर आईडी बनाएंगे तो अपनी पाकिस्तानी जो डिटेल्स हैं उस पे बना सकते हैं। अब इसमें मैं आपको आगे फिर डिटेल्स बताऊंगा कि किस तरह आप आईडी बनाएंगे, कौन सा बैंक अकाउंट चाहिए और किस तरह आप उस पे सेल करेंगे, क्योंकि हम यहाँ से इंडिविजुअल आईडी बनाएंगे अमेजोन पे और उस पे फिर सेलिंग स्टार्ट करेंगे।
अगर हम अमेजोन का वो पेज देखें जिस पर प्रोडक्ट लिस्ट होती है, तो ये आप अमेजोन का पेज देख सकते हैं, इस पर डिफरेंट प्रोडक्ट होंगी। अब इस पे हम कोई भी प्रोडक्ट, जैसे यहाँ टैब बना हुआ है, इस पे आप कोई भी प्रोडक्ट निकाल लें। अब एज ए एग्जाम्पल हम कोई भी निकाल लेते हैं, जैसे ग्लव्स निकाल लेते हैं। तो ये देखिए ग्लव्स की प्रोडक्ट लगी भी है। अब ग्लव्स की प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों ने लगाई भी है अमेजोन पे। अब हम अमेजोन पे अगर अपनी आईडी बनाते हैं और उसमें सेलिंग क्या होगी कि अमेजोन पे हम पाकिस्तान से बैठ के पाकिस्तानी डिटेल पे आईडी बनाएंगे, और आईडी बनाने के बाद हम इंडिविजुअल सेलिंग करेंगे। इंडिविजुअल सेलिंग हम क्या करेंगे कि हम कोई भी प्रोडक्ट अपनी निकालेंगे अमेजोन से, उसकी भी प्रोडक्ट हंटिंग करनी पड़ती है। लेकिन शुरू में ये होता है कि अगर आपने कम बजट रखना है तो आपने वो प्रोडक्ट देखनी होती है चाहिए जिसकी सेलिंग प्राइस भी कम हो, और उसकी लाजमी बात है फिर सोर्सिंग प्राइस भी कम होगी, और उस प्रोडक्ट को हम निकालेंगे और उसको फिर हम अमेजोन भेजेंगे, सोर्सिंग करेंगे उसकी, उसको अमेजोन भेजेंगे, अमेजोन फिर उसकी शिपमेंट प्लान वगैरह सारी क्रिएट करके अमेजोन जब भेजेंगे, फिर वहाँ अमेजोन के साथ वो वेयर हाउस में जमा हो जाएगी। और फिर इसके दो मॉडल होते हैं, एक होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, जो अमेजोन खुद करता है जिसे FBA कहते हैं, और एक होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, जो अगर कोई खुद करना चाहता है मतलब डिलीवरी वगैरह, जैसे अगर कोई कस्टमर आपके अकाउंट पे ऑर्डर करता है आपके सेलर अकाउंट पे, तो वो ऑर्डर आप पैक करके भेजेंगे या अमेजोन भेजेगा। तो ये दो मॉडल है। तो अगर आपने खुद भेजना है, क्योंकि हम तो US UK में नहीं बैठे हुए, हम तो पाकिस्तान में बैठे हुए, तो हम क्या करेंगे, हम फुलफिलमेंट बाय अमेजोन लेंगे कि अमेजोन फुलफिल करके भेजेगा, अमेजोन पिक पैक शिप करके भेजेगा हमारे लिए। हाँ, उसके कुछ चार्जेस होते हैं, उसके बारे में भी फिर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये है कि ये FBA का मॉडल हमारे लिए सबसे बेस्ट है। और FBM तो वो लोग ज्यादा कर सकते हैं जो उस मुल्क में खुद रह रहे हो, और यूरोप में भी इस पे सेल कर सकते हैं। और बाकी अमेजोन पे सेलिंग ऑप्शन हमारे पास क्या है कि थ्री डिफरेंट मॉडल्स हैं इसमें। इसमें सबसे पहला मॉडल है ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग क्या होता है कि ड्रॉप शिपिंग हमने अमेजोन अकाउंट खोला और हमने कोई एक प्रोडक्ट निकाल ली, हमने प्रोडक्ट हंटिंग की, एक प्रोडक्ट हमें अच्छी लगी, हमने वो निकाल ली। अब हम उसे ड्रॉप शिप करना चाह रहे हैं। तो ड्रॉप शिप क्या होता है, अमेजोन पे हम उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेंगे, पहले तो हम उसका सप्लायर ढूंढेंगे, जैसे अली बाबा, अली एक्सप्रेस है, अली बाबा डॉट कॉम पे अगर हम जाए तो अली बाबा डॉट कॉम पे आपको डिफरेंट सप्लायर्स मिलते हैं एक प्रोडक्ट के। जैसे ये ग्लव्स है, यहाँ इस ग्लव्स की आप प्राइस देखें 999 pound है, किसी ने 899 लगाई हुई है, किसी ने 575, ये डिफरेंट टाइप्स के ग्लव्स हैं और इनके डिफरेंट प्राइसेस हैं। अगर हम यही ग्लव्स यहाँ देखते हैं अलीबाबा पे, तो आपको पता चल जाएगा प्राइस कंपैरिजन इसका, और आपको फिर इसके प्रॉफिट मार्जिन का भी अंदाजा हो जाएगा। जैसे ये ग्लव्स है, अभी ये 899 का इसने लगाया हुआ है, बॉक्स ऑफ 100, ये ग्लव्स देख लें, ये वाले देख लें, ये वहां सबसे बेहतर आ रहे हैं। अच्छा, इसमें हमें आप ज्यादातर देख रहे हैं लिस्टिंग पे प्राइसेस नहीं बता रहा। प्राइसेस क्यों नहीं बता रहा कि हमारी जो यहाँ हमने अमेजोन यूके का अकाउंट खोला है, लेकिन हमारी जो डिलीवर टू यहाँ देखें पाकिस्तान आ रहा है, डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा है, उसमें आपने क्या करना है कि यहाँ डिलीवर टू यूके ही कर देना है, क्योंकि अगर यूके का हमने खोला है या अमेजोन डॉट कॉम करना है तो डिलीवर टू USA कर देना है। अब उसके लिए आपने क्या करना है कि किसी भी, जैसे यूके का अगर मैं करता हूँ तो यूके का कोई भी पोस्ट कोड उठा लूंगा मैं, कोई भी पोस्ट कोड ऐसी सर्च कर लिया मैंने, अब ये देखे इसने मुझे एक यहाँ सैंपल दे दिया, ये पोस्ट कोड मैंने यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ आके यहाँ डिलीवर टू पाकिस्तान वाले सेक्शन में जाके अब ये साइन इन मांग रहा है, इसको साइन इन करना पड़ेगा। आप अपनी आईडी वगैरह देके इसे साइन इन कर लेंगे, और साइन इन के बाद आप, पहले आपने साइन इन लाजमी करना है अमेजोन पे, साइन इन के बाद आप
यहाँ अपने वो आपको सीधा सीधा पोस्ट कोड का ऑप्शन देगा, पोस्ट कोड पे जाके आपने ये कॉपी करके यूके का, अगर यूएस का है तो यूएस पोस्ट कोड का जिप कोड करके आपने यहाँ कॉपी कर देना है, तो वो आपको प्राइसेस दे देगा। आप जो प्राइसेस हमारे पास आ रही है, ये 999 पाउंड का ये 100 का डब्बा बेच रहा है, तो हमने यहाँ जाना है alibaba.com पे, और alibaba.com पे आपने ग्लव्स सर्च करना है। आप ग्लव सर्च कर रहे हैं तो ये देखें 100 का बॉक्स ये आपको $5 से $5.5 में दे रहा है, $5 से $5.5 आपके 3 पाउंड बनते हैं, 3 पाउंड। और आप यहाँ देख लें कि ये 999 पाउंड का और 899 पाउंड का बेच रहे हैं, कहाँ 3 पाउंड और कहाँ 895 पाउंड। और इसमें आप अगर आप 3 पाउंड के साथ 2 पाउंड डिलीवरी भी ले ले तो 5 पाउंड हो गया, और 2 पाउंड अगर आप अमेजोन की पीपीसी वगैरह ले ले तो फिर भी आपको पर बॉक्स 2-3 पाउंड बचते हैं, 2-3 पाउंड पाकिस्तानी 650-660 रुपए बनते हैं। तो ये इसमें पोटेंशियल है, और इसमें काफी पोटेंशियल है अमेजोन के बिजनेस में, और काफी लोग इसकी तरफ जा रहे हैं। अब इसमें जो मैं आपको मॉडल की बात कर रहा था कि इसमें 3 बिजनेस मॉडल्स हैं, एक ड्रॉप शिपिंग है, एक होलसेल है, और एक पीएल है। पीएल है प्राइवेट लेबल, उसमें आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अब आप ड्रॉप शिपिंग क्या होता है कि आपने एक ये ग्लव्स की प्रोडक्ट, लाइक सपोज आपने ये प्रोडक्ट निकाली, आपने अब इस प्रोडक्ट को लिया, और आपने क्या करना है कि इसे खरीदना नहीं है, इसे अलीबाबा या किसी से भी खरीदना नहीं है। अब हम अली एक्सप्रेस पे जाते हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ड्रॉप शिपिंग का मॉडल क्या है। आप अली एक्सप्रेस पे गए, साइट लोड नहीं हो रही, अली एक्सप्रेस पे आपने ग्लव्स निकाले, आपने ये ग्लव्स निकाल लिए। अब क्या है कि आपने जो अमेजोन पे ग्लव्स निकाले थे, आपने उसकी लिस्टिंग की, अब लिस्टिंग के साथ साथ आपने यहाँ देखा कि अली एक्सप्रेस पे उसी का आपने सप्लायर निकाल लिया। लेट सपोज आपने ये वाले ग्लव्स आपने निकाल लिए, और ये वाले ग्लव्स आपने यहाँ निकाल लिए, और इसी की लिस्टिंग आपने अमेजोन पे कर दी। अब अगर आपके पास अमेजोन पे ऑर्डर आएगा तो आप ऑर्डर को एक्सेप्ट, जैसे आपके पास पेमेंट हो जाएगी ऑर्डर की, तो आपने उसी टाइम अली एक्सप्रेस पे यहाँ ऑर्डर कर देना है, आपने खुद ऑर्डर कर देना है, और डिटेल आपने कौन सी देनी है, जो आपको ऑर्डर आया था अमेजोन पे आपने वो डिटेल कॉपी करके यहाँ अली एक्सप्रेस पे देनी है कि भाई डिलीवर टू दिस एड्रेस, और ये वो वही नाम और वही फोन नंबर आपने देना है। तो मतलब ये आपकी ड्रॉप शिपिंग हो गई, ड्रॉप शिपिंग ये मॉडल है। मतलब आपके पास कोई चीज नहीं होगी, आपके पास ऑर्डर आएगा, आप उसे कहीं और से ऑर्डर करके उसी एड्रेस पे भेज दोगे जिसने आपको ऑर्डर दिया था। तो ये ड्रॉप शिपिंग हो गई। लेकिन ड्रॉप शिपिंग ये है कि अमेजोन में थोड़ा रिस्की बिजनेस है, और इसमें आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। अब अमेजोन के जो 2 बेहतरीन बिजनेस मॉडल्स है वो है होलसेल और पीएल प्राइवेट लेबल। होलसेल में क्या है कि आपको इन्वेस्टमेंट कम चाहिए होती है, और प्राइवेट लेवल में आपको, क्योंकि आपने अपना ब्रांड बिल्ड करना होता है तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए। तो होलसेल में ये है कि होलसेल आप कैसे करते हो कि आपने होलसेल की प्रोडक्ट्स हंट करनी होती है, वो कुछ ब्रांड्स होते हैं उसकी प्रोडक्ट हंट करनी होती है। जैसे सपोज कर ले हम यहाँ कुछ ब्रांड निकाल, वो नाइकी आप निकालें, तो नाइकी का आपने कुछ प्रोडक्ट निकाली और आपने नाइकी की प्रोडक्ट सेलेक्ट की, अब आपने वो बेचना है, आपने वो बेचना डायरेक्ट नहीं है, आपने पहले नाइकी से ब्रांड अप्रूवल लेनी होगी। तो नाइकी में मिसाल दे रहा हूँ, कोई सी भी ब्रांड हो, आपने उनसे ब्रांड अप्रूवल लेनी होगी। ब्रांड अप्रूवल लेने के बाद आप उसे फिर बेच सकते हो। जैसे ही आपको कोई ब्रांड ब्रांड अप्रूवल लेटर भेज देगा, आपको बता देगा कि भाई हाँ आप मिनिमम इतनी इन्वेस्टमेंट करके हमसे ब्रांड अप्रूवल ले सकते हो और हमारी चीजें आप बेच सकते हो, तो वो आपको लेटर वगैरह जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगी आपको भेजेंगे, फिर आप अमेजोन पे लिस्टिंग करेंगे। अगर आप अमेजोन फिर आपको बोलेगा कि आपके पास ब्रांड अप्रूवल या कुछ है, तो आप उसे दिखाएंगे, प्रूफ शो करेंगे, और आप उस पर सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। तो ये होता है होलसेल का मॉडल। अब प्राइवेट लेबल का मॉडल क्या होता है कि प्राइवेट लेबल पे जैसे ये ग्लव्स हैं,
ये ग्लव्स मैंने अलीबाबा का, जैसे मैंने आपको बताया कि अलीबाबा पे आपको मिल रहे हैं 3 पाउंड के, 3 पाउंड से भी सस्ते मिल सकते हैं, वो आप फिर सोर्सिंग एजेंट से अपनी बात करोगे। तो ये ग्लव्स आपने सेलेक्ट किए, आपने वहां से अलीबाबा से खरीदने, आपने अलीबाबा को बोला कि भाई इस ग्लव्स के ये मैं आपसे 1000 डब्बे लूंगा, इसके आप मुझे प्राइस भी कम करो। अब इस 1000 डब्बों पे आपने अपनी ब्रांडिंग भी करवानी है, जैसे आपने कोई भी अपना ब्रांड नेम रख लिया, आपने फिर इस पे अपनी ब्रांडिंग करवानी है, आपने वही ब्रांड नेम अमेजोन के साथ रजिस्टर करवाना है। तो ये आपका ब्रांड नेम रजिस्टर हो जाएगा और आपका PL हो जाएगा। ये वही 1000 यूनिट पर आपने अमेजोन भिजवाना है, वो भी फुलफिल्ड बाय अमेजोन ही होगा और वो आपका ये होगा कि प्राइवेट लेबल ब्रांड हो जाएगा। लेकिन उसमें क्या है कि आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, आप 1000 डब्बे अगर लोगे तो मतलब आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अच्छी खासी, और फिर आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर करना पड़ेगा, अगर UK हो, US हो, कुछ भी हो, उसके साथ आपने ट्रेडमार्क वगैरह रजिस्टर करनी है। और इसमें काफी फिर आपने PPC चलानी है, जैसे मार्केटिंग होती है अमेजोन पे, पे पर क्लिक कहते हैं इसे, और ये PPC चलानी होती है अमेजोन पे सेलिंग करने के लिए। तो ये एक ओवरव्यू था अमेजोन का। आगे मैं आपको बताऊंगा फिर अमेजोन के बारे में भी कि किस तरह हम अकाउंट खोलेंगे पाकिस्तान से, पाकिस्तानी डिटेल्स पे, और उस पे किस तरह हम प्रोडक्ट हंट करेंगे, किस तरह सोर्सिंग करते हैं, और किस तरह शिपिंग प्लान बनाते हैं, लिस्टिंग बनाते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको फिर बताऊंगा। और सबसे बेहतरीन बिजनेस मॉडल मुझे सिर्फ अभी अमेजोन ही लग रहा है, और इसके अलावा हमारे पास ईबे भी है। ईबे ये है कि पाकिस्तान से थोड़ा रिस्की है, लेकिन अगर हम उसको कुछ चीजें देखभाल के चले तो उस पे भी आप पाकिस्तान से सेलिंग कर सकते हैं। तो ईबे है, शॉपिफाई है। इस बिजनेस मॉडल्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ईबे और शॉपिफाई के बारे में। तो तब तक के लिए आज की वीडियो मैं यहाँ तक रखता हूँ, और ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेशन भी मिलती है, और बेल आइकन को प्रेस करें और तो जो भी मैं आगे वीडियोस बनाता जाऊंगा उसकी आपके पास नोटिफिकेशन आती जाएगी। तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट जरूर किया करें। अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ समझना ही आई हो या कोई और मसला हो तो आप कमेंट जरूर किया करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।